नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का, नजर डालेंगे सभी बड़ी खबरों पर। आज अचानक ले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है। भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक ले पहुंचने से चीन को कड़ा संदेश पहुंचा है और इसी के बीच अब चीनी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे पर बयान दिया है। चीन का कहना है कि कोई भी पक्ष कुछ भी ऐसा ना करे जिससे माहौल खराब हो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर सामने आई। 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन को वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस के ऊपर हुई अंधाधुंध फायरिंग में शहीद हुए 8 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों का हालचाल लेने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद करने और नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,25,544 हो गई, जिसमें 18,213 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 3,80,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले आए सामने। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 6,25,544 हो गई है, जिसमें 18,213 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 3,80,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित, यहां कुल मरीजों की संख्या 1,86,626 हो गई है, जिसमें 8,178 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,00,000 से अधिक मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। एक्टिव केस की संख्या 77,000 से अधिक है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,00,000 के करीब पहुंच गया है। कुल मरीजों का आंकड़ा 98,392 है, जिसमें 1,321 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 56,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 41,000 से अधिक है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 92,175 हो गया है, जिसमें 2,864 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 63,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 26,304 है। मलाड में सुपरदे खाक हुई कोरियोग्राफर सरोज खान, दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। जानकारी के मुताबिक सरोज खान ने शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 1:52 पर आखिरी सांस ली। अमेरिका में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 55,000 नए मामले आए सामने। दुनिया भर में कोरोना से 5.24 लाख लोगों की हुई मौत। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। सभी देशों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दुनिया भर में कोरोना के चलते अब तक 1,09,84,735 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।